कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। जय श्री राम दोस्तों। तो ये जो आज का वीडियो है, ये भी ब्लॉगिंग नहीं होने वाली आज, ना किसी चीज को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बस जो प्यार है ना, फिर बात करना चाहता हूँ मेरे दिल में। सुशी सुबह से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, घर टू घर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं अपने उस फ्रेंड्स के साथ एक फिल्म देखने जाता था, एक फिल्म लगी कश्मीर पर, सभी को आपको पता होगा। तो मैं कुछ फ्रेंड्स हमने वो फिल्म देखी, ठीक है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जाओ वो फिल्म देखो, उसको देखना ही है। क्यों? उससे एक रीजन है, उसको देख के हम चार दिन के जोश में आ जाएंगे। सबको पता है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से बातें नहीं कर रहा हूँ समझाने की। सबको पता है कि फिल्म का मैटर क्या है और क्या चल रहा है, और अभी इंदौर और पूरे इंडिया में भी क्या चल रहा है, ये भी सबको पता है। क्या क्या हम झेल चुके हैं, मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ ये चीज उनको देखना पड़ा कि अपनी जमीन पर होते हुए भी उनको 30 साल तक क्या झेलना पड़ा, क्या वहां की औरतों को झेलना पड़ा जितने भी। और दूसरी चीज, दूसरी सबसे बड़ा मैटर, जब मैं फिल्म देख के आया, मैं आपसे क्लियर टू कट बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं उसमें आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो भी है। मैं सबसे पहले अगर मेरी दिल्ली की बाहर आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आया, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को, नाम नहीं बताऊंगा, अपने कुछ फ्रेंड्स को और मतलब कुछ लोगों से डिस्कशन करी, उनके मुंह से सुना भी, कह रहे यार ठीक है एक फिल्म है, और लोगों से सुना भी है मैंने, और लोगों ने ऐसी बातें करते कि फिल्म है उसको ठीक है, फिल्म में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिल्म है और वो एक रियलिटी है, और उसको कोई फॉरगेट नहीं कर सकता, कोई भूल नहीं सकता, ठीक है। हमने वो कर लिया, आज आप कर रहे हो ना जो करके छोड़ रहे हो कि वो तो पास्ट है, चले गया या पहले हुआ था, अब ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप आजादी दो, फिर वो चीज करेंगे, और करेंगे क्या, कर रहे हैं। एटलीस्ट अभी किसी को ये मैटर पता होगा, इंदौर में सबको पता होगा, 15 अगस्त का थोड़े दिन पहले तक, तो वहां पे एक लड़की आई थी, उसने वंदे मातरम बोला था आके, एक बहुत प्यारी सी पोएम गई थी, फिर वंदे मातरम बोला था, वो सामने से ही 10-15 बंदे थे, वो ये इस्लाम है इस्लाम कुछ बोलना चालू कर गए थे। और हमारे वहां पे कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने उस चीज को लेकर, मैंने माना बहुत अच्छा एक्शन दिया कि उन्होंने लड़की को स्टेज से उतारा और जल्दी से जल्दी प्रोग्राम को खत्म कर दिया वहां पे। तो ये चीज उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी करी थी, बहुत ज्यादा अच्छी करी थी। अभी 30 साल पहले वो गलती हुई थी, वहां से कश्मीरी पंडितों को दबाया गया था, दब गए थे, भगा दिया, उनके घर से भगा दिया था बेघर करके, औरतों का रेप किया, मारा, बच्चों को मारा, सब करा। और अभी लग रहा होगा मेरे को, पता 2-3 हंसी भी उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं, आज ही भरा गया फिल्म देख के, ऐसी कुछ नहीं, वो नहीं है, ये मीटर है, ये मीटर है जो कब से झेल रहे, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों? उसका एक रीजन भी बताते हैं। जब हम चार जने इकट्ठा होते हैं तो हम बात करते हैं, यार भाई अब अपन ही अकेले क्यों बोले, यार देख कुछ भी नहीं, इसी में रहेंगे, पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अपन इसलिए बोल रहे हैं कि अपन वहां पे थे नहीं ना, तो किस्मत हर किसी के ऐसे में अच्छी नहीं रहती, अपन भी वहां हो सकते थे। सॉरी फॉर ओपनली होकर बोल रहा हूँ, किसी के पर्सनली बोल रहा हूँ, पर अपनी वहां पे भी हो सकती थी, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ खुद का। बस मेरे को उस मूवी को देख के एक एक सीन पे मेरी 12 बज गई, मेरे दिल पे सीधे आके लगी चीजें। क्लियर सी बात है, अपने ही देश में देखिए, हम जोर से चिल्ला के जय श्री राम नहीं बोल सकते, हमें अपना कुछ कार्यक्रम करवाना हो, कुछ भी हो, भागवत कथा हो, सुंदरकांड हो, हमें परमिशन देना पड़ती है सबसे पहले जाके, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कुछ भी, मुहर्रम वगैरह हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते, हमें परमिशन देना पड़ेगी। तो फिर किस बात पे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात हो गई, आज मैं इंदौर की बात करूँ, इंदौर में इतनी चीज हो गई। अभी एटलीस्ट कुछ दिन पहले तक उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, इस्लाम और ये सब तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उधर भी कुछ एक्शन नहीं लिया कुछ, क्यों? सरकार गिर जाएगी, 12 बज जाएगी, ये बात गवर्नमेंट की नहीं चल रही है, मेरे को पता है, ये वीडियो वहां तक पहुंच भी गई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो इतना बड़ा मीटर हो गया, उन्होंने जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, ये सब चीजें कर दी, उन्होंने क्या करा, बस छोटा सा केस फाइल करा, कुछ भी नहीं, हाँ हो गया ठीक है, एकता बनाया रखो एकता, ये चीज इसको रखें और करके खत्म कर, ठीक है, ये वहां पर दब गया मामला, उनको क्या है, ये चीज उनको देती है आजादी चीजें करने की, ठीक है, क्या कर पाए, सर केस फाइल कर दिया ना, और हम ब्लास्ट करेंगे,
अब हम छेड़ेंगे लड़कियों को और बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, क्या कर लेंगे? बस वही सब चीजें हैं, सब चीजें अभी भी अच्छा चल रहा है। अच्छे आतंकवादी पकड़ा है अपने भोपाल में, तो अच्छी चीजें हो रही, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें, और इनको पावर मिलते जा रही है। सीधा बोल रहा हूँ इनको, हमें को पता कुछ वीडियो भी देख रहे होंगे और अच्छे से डिसलाइक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो सुअर है जिनके लिए वीडियो बन रही है तो उनको क्लियरली बता दूंगा, आप 12 बज जाएंगे तक हमारी, और अच्छे से और अच्छी चीज। मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ, मतलब 12 बज चुकी है पूरी, मतलब अपने इतनी आजादी अपन ने इन लोगों को दे दी ना, क्या अपन इस चीज में फंसते जा रहे कुछ भी नहीं। बस मैं इतना ही बोलूंगा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन रहा हूँ, ना कुछ वो कर रहा हूँ कि मतलब मेरे मोटिवेट करने से कुछ हो जाएगा। बस मैं बोलूँगा थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज करता हूँ। एटलीस्ट मैं मेरे वाले जितने मेरे भाइयों ने जो मतलब थे मेरे क्लोज वन है उनके बोलूँगा भी अपन ही पहले स्टार्ट करते हैं जितना हो सके। वीडियो को वायरल करते पूरा इसके ऊपर लाइक बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए, बस जय श्री राम के नारे से पूरे कमेंट भर दे। वीडियो को क्योंकि जब मैं ये चीज बोलना बहुत ज्यादा मतलब अपन बोलते हैं उससे पहले अपन सोच लेना चाहिए। अपन बोलते क्या भाई, अपन अकेले क्या कर लेंगे, ये बोलने से अच्छा अपन थोड़ा सा सोल्यूशन पे आते ना। मुझे लगा मेरा मतलब बहुत अंदर से बहुत दिल भरा हुआ था इन सब चीजों में, क्या करूँ, मैं किसी को मारू पकड़ के, पर एक को मारने से क्या हो जाएगा? ठीक है आप मार भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मार लोगे, एक की थिंकिंग चेंज कर लोगे, दूसरा आदमी उसके साथ, तीसरा भी उसके साथ, सारे ही उसके रिश्ते, तो आप क्या कर लोगे, कितों को मारोगे? तो इससे बढ़िया ये है कि जितना जो आप कर सकते हो आपसे पॉसिबल वो कर दो। मेरे से पॉसिबल था मैं अपनी इस चीज को कैसे बता सकता, आप लोगों से शेयर करके मैं अपने आप को शांत कर सकता था, मैंने कर लिया, हुआ तो नहीं बट इतना है कि अब थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन मिल रहा है और मैंने वीडियो बना दी। अपन इतना करते हैं जितना आपके बस में हो सके इतना करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, जय श्री राम के नारे से भर दो पूरा कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज और अगर सबसे बड़ी चीज हो सके उनसे खरीदारी बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल भी पूरा उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जितने भी सुअर है हर किसी को लेके नहीं है ये, मैंने माना कुछ कुछ अच्छे भी रहते पर ठीक है, अगर इतने अच्छे होते तो इतनी अच्छी चीजें नहीं होती रोकते आगे करने से, अगर साथ मिलकर रहना ही होता ना तो रह लेता अच्छे से। पता है एक बार वो मूवी देखो, मैं इसलिए आ रहा हूँ मूवी देखने का, और एक बार मूवी देखो सुबह सुबह के एंड तक आपको सबकी दिल नहीं पड़ेगी, सब एक एक पे विश्वास करना पूजा मतलब आपको पूरा विश्वास हो जाता है। किसी भी चीज का सोल्यूशन पता है झेलना नहीं होता, झेलना कभी नहीं होता किसी को भी। तो इसमें इतना ही बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बातें हो गई, ये को मैं एंड करता हूँ। अगर किसी कुछ बात बुरी लगी हो तो मेरे को माफ करना, बस मैंने अपना समझा तो मैंने ये वीडियो को जल्दी जल्दी शूट करा और आप लोगों से बातचीत करी, हमको सिर्फ कंफ्यूजन करना हुआ। अब बस इनफ करो, जितना हो सके उतना करो, दिखा देंगे इतना दिखा दो, चलता हूँ, जय श्री राम।